हमारे चैनल स्वास्थ्य सुनहरा। दोस्तों, कभी कभी आपको चटपटा खाने का कुछ मन करता है, आपको क्या, हमें भी कभी कभी मन करता है कि हम कुछ चटपटा बनाएं, कुछ चटपटा खाएं और औरों को भी खिलाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे आप शाम के टी टाइम पर ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। आज मैं दो तरह की स्वीट कॉर्न की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स मैंने ली है, एक प्लेट स्वीट कॉर्न, 1.5 कटी हुई लाल हरी शिमला मिर्च, 2 कटे हुए प्याज, काला नमक, चाट मसाला, 2 कटी हुई टमाटर छोटी, लेमन जूस 1 चम्मच, सादा नमक, बटर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गोलमिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और कटी हुई धनिया पत्ती। स्वीट कॉर्न की इस खास रेसिपी को जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कढ़ाई मैंने गरम कर लिया, अब मैं इसमें बटर डाल देती हूँ। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। इसको मैं थोड़ा सुनहरा होने तक भून लूँगी। प्याज हमारा सुनहरा हो चुका है, अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल देती हूँ। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लेते हैं, साथ ही मैं टमाटर भी डाल देती हूँ। मैं इसमें मसाला ऐड करती हूँ, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गोलमिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। नमक स्वाद के अनुसार, अब मैं कॉर्न डाल देती हूँ। कॉर्न को डालकर हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को आप अपने अकॉर्डिंग लो मीडियम कर सकते हैं। ये शाम के नाश्ते के लिए बहुत है परफेक्ट ऑप्शन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी और ऐसे भी स्वीट कॉर्न बहुत तो फ़ायदेमंद होता है। अब मैं इसमें चाट मसाला डाल देती हूँ, आधी चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, लेमन जूस 1 चम्मच। अब इन सबको चला लेती हूँ। ये मसाले इस तरह से चिपक गए हैं, आप चम्मच की मदद से इस तरह से निकाल सकते हैं। इस चटपटे स्वीट कॉर्न की रेसिपी दोस्तों आप बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अब मैं इसमें धनिया पत्ता मिला देती हूँ। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। इसके लिए मैंने ली है एक प्लेट स्वीट कॉर्न, 1 कटे हुए प्याज, 1 कटी हुई टमाटर, थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती, आधा चम्मच लेमन जूस, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच गोलमिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, हरी मिर्च कटी हुई 1 और थोड़ी सी बटर। पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें बटर डाल देती हूँ। इसमें मैं कॉर्न को डाल देती हूँ। गैस को मीडियम आंच पर रखेंगे। अभी हमारा भून चुका है, गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब मैं स्वीट कॉर्न को एक बॉल में ट्रांसफर कर देती हूँ। प्याज डाल देती हूँ, टमाटर, एक चौथाई जीरा पाउडर, 1/4 चाट मसाला, काला नमक 1/4,
सादा नमक स्वाद के अनुसार, एक चौथाई गोलमिर्च पाउडर, लेमन जूस आधी चम्मच, धनिया पत्ता, हमें इन सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो मिर्च भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने सारे को मिला लिया है, ये हमारा चटपटा स्वीट कॉर्न बनकर तैयार हो गया है। आज का टिप्स, स्वीट कॉर्न में स्टार्च और फाइबर की मात्रा पाई जाती है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।